अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्विस रोल बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए मुझे एक प्याली जैम लगेगा। ये मैंने मिक्स फ्रूट जैम लिया है, आप अपनी पसंद से कोई भी जैम ले सकते हैं। ये 50 ग्राम शक्कर है, 2 अंडे हैं और 50 ग्राम मैदा है, और एक बीटर की ज़रूरत है हमको। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप ये स्पून से भी बीट करके बना सकते हैं। और एक हमको ऐसी ट्रे की ज़रूरत रहेगी, जिसे मैंने पहले ही ऑयल लगा के बटर पेपर रख दी है। ये देखो, अगर ये बटर पेपर आप नहीं लगाओगे तो फिर मक्खन या तेल लगा के आप जो है तो मैदे को डस्ट कर देना, पर पेपर रहने से क्या है वो बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। और ओवन को मैंने पहले से प्रीहीट करने रख दिया है। ये देखें 40 डिग्रीज पे है, और ये नीचे वाले की नीचे की ग्रिल मैंने ऑन किया है। हम बेकिंग करेंगे तो हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे, ग्रिल करेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हल्का सा अगर हमको करना रहेगा ऊपर नीचे एक साथ, तब हम इसको रोस्ट के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हमेशा बेकिंग के लिए आपको इसकी ज़रूरत है। और ये देखिए 200 डिग्री पे मैंने 180 डिग्री पे रखा है, 200 इधर है, ये 180 आता है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। चले अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने 2 अंडे लिए हैं, और अंडे जो है पहले स्लो हम करेंगे, स्लो स्पीड में, बाद में हम उसको 1 मिनट के बाद में हम उसकी स्पीड फास्ट करेंगे। ये देखिए आपको इसको इतना बीट करना है कि ये खूब अच्छे से कल्फी या डबल हो जाए, ध्यान रखें। और एक ही डायरेक्शन में आपका हाथ रहेगा, आपको कभी हाथ ये बाजू कभी वो बाजू बिल्कुल नहीं लेना है, एक ही डायरेक्शन में आपका हाथ देख रहे होंगे आप कि मैं एक ही डायरेक्शन में कर रही हूँ। देखें एक ही डायरेक्शन में आपका हाथ इस तरीके से जाएगा, कभी आप ऐसा या कभी ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वरना केक नहीं फूलेगा। केक का बनाने का सबसे आसान तरीका और ये है कि आप जब भी कोई चीज़ बनाएं उसका मेजर बराबर हो, दूसरा आपने जब बना रहे हैं तो बीटर या स्पून से भी अगर आप कर रहे हैं तो आपका हाथ एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, कभी हाथ इधर दाएं बाएं नहीं करें, आप एक ही तरीके से आपका हाथ जाना चाहिए। ये देखो अब ये हो गया, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके शक्कर डालकर बीट करूंगी। ये देखें शक्कर डालकर मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। अभी जो है तो हम एक एक चम्मच मैदा डालेंगे और इसको बीट करेंगे। एक ही चम्मच मैदा डालने के बाद में आपने बीट करना है, और उसके बाद में आपको हाथ से मिक्स करना है। ये देखें और वो भी स्लो में, फास्ट नहीं रहेगा आपका बीटर। ये देखें बस अब आप इसे बंद कर दें। आप जब भी केक बनाएं वेनिला एसेंस ज़रूर डालें, जो भी फ्लेवर में आप बनाना चाहते हैं वो फ्लेवर का एसेंस बाहर मार्केट में आसानी से मिल जाता है, वरना आप अगर एसेंस नहीं आप डालेंगे तो इसमें अंडे की महक आएगी, फिर आप नहीं खा सकते, इसलिए वेनिला एसेंस बहुत ज़रूरी है। ये देखिए अभी मैंने मैदा डाला है और इसको धीरे से मिक्स कर रही हूँ। बस अब मैं इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करूँगी, मैं इसको
स्पून से मिक्स करूंगी थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर। आप देख सकते हैं अभी आप इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर मिक्स करेंगे। इकट्ठा नहीं डालना, डालने में कोई बुराई नहीं है इकट्ठा, लेकिन वो अंदर जाके गांठ बन जाएगी, फिर आप उसको मिक्स नहीं कर सकते। ये देखिए, कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड, ये इस तरीके से कट एंड फोल्ड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक ही डायरेक्शन में आपने हाथ मिक्स करना है, चाहे आप ऐसे स्पून से मिक्स करें या किसी भी स्पून से, लेकिन बहरहाल आपको कट एंड फोल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, हो गया ये। अब इसको फिर से मैं फोल्ड कर रही हूँ, कट एंड फोल्ड। अगर आप इसमें चाहें तो येलो कलर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। ये है हमारा कट एंड फोल्ड। ये देखें, धीरे धीरे हमारा मैदा कैसा मिक्स हो रहा है, और एकदम ज़्यादा स्पीड में भी नहीं आपको घुमाना है हाथ, बहुत ही धीरे से, वरना इसकी हवा पूरी एकदम निकल जाएगी जो हमने अभी बीट किया था, तो फिर ये केक वैसा नहीं फूलेगा जैसे हम चाहते हैं। ये देखिए, हो गया कट एंड फोल्ड। ये देखो, खूब अच्छे से मिक्स हो गया। अब ये देखिए आप, ये इस तरीके से गिरना चाहिए। ये अब हो गया है पूरा, मैं अब इसको ट्रे में डालकर आपको बताती हूँ। मैंने सबसे पहले दो अंडे बीट किए, फिर उसमें 50 ग्राम शक्कर डाल, पिसी हुई शक्कर डालकर बीट किया है, फिर उसके बाद में वेनिला एसेंस डाली और 50 ग्राम मैदा डालकर उसको मैंने कट एंड फोल्ड किया है। अब मैं इसको ट्रे में रख रही हूँ ओवन में रखने के लिए। ये देखें, देखिए इसको इस तरीके से ट्रे में डालने के बाद में आपने 2 से 3 बार टैप करेंगे, और उसके बाद में इसको आपने ओवन में रखना है 180 डिग्री पर 10 से 15 मिनट। अगर आपका ओवन घर में छोटा बड़ा जो साइज है वो हिसाब से आपने एक बार बीच में निकाल कर चेक कर सकते हैं।